आज फिर से बहुत दिन के बाद परवल का खेती के बारे में जानकारी लेने के लिए आए हैं एक सफल किसान के पास, और इनसे मालूम करते हैं ये सफल खेती कैसे करता है, क्या डालता है, क्या नहीं डालता है, और क्या डालना चाहिए और क्या नहीं डालना चाहिए। तो इनसे मालूम कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? अशफाक आलम। और ये परवल का खेती आप कितना दिन से करते हैं? बहुत दिन से कर रहे हैं, बाप दादा करते आ रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। तो इसमें क्या लाभ मिलता है और क्या नुकसान, क्या कैसा लगता है खेती करने में? बढ़िया है खेती, बहुत बढ़िया खेती है। बढ़िया खेती। तो इसमें कितना दिन तक लगातार इसमें बेचने को मिलता है? और छः महीना लगातार उठता है ना? लगातार। और ये एक बार रोपने के बाद वो कितना दिन तक, कई साल चलता है? चार साल तक एक ही लत्ती में चलते रहता है ना? काट दो उसको, वो जड़ से काटना पड़ेगा? जड़ से नहीं, इतना छोड़ के काटना पड़ता है। इतना छोड़ के काटना पड़ता है? इतना छोड़ के काटने के बाद फिर वो नया कंजड़ मारता है ना? नया कंजड़ मारता है। अच्छा। फिर आया, फिर आलान में चढ़ा दो उसको। वो आलान वालन सब खोल देना पड़ता है? हाँ। और देखे फिर इसका बढ़िया से साफ सफाई करके, कोड़ देना पड़ता है। ये फावड़ा से? हाँ, फावड़ा से कोड़ना पड़ता है। हाँ, मतलब कोड़ काट के एकदम बिल्कुल साफ सुथरा कर देना पड़ता है ना? अच्छा, उसके बाद आप फिर क्या डालते हैं इसमें? गोबर उबर डालते हैं? गोबर भी डालते हैं, डीपी भी डालते हैं, यूरिया भी डालते हैं, कैल्शियम भी डालते हैं, ये सब डालते हैं। और उसके बाद वो फिर आलान डालना पड़ता है? आलान डालना पड़ता है, फिर आलान में चढ़ाना पड़ता है उसको। और लत्ती हर रोज चढ़ाना पड़ता है? हर रोज चढ़ाना पड़ता है। करेला रोपने से नहीं चढ़ाना पड़ता है ना? करेला रोप देने से उसी का लत्ती के ऊपर ऊपर ये चलता रहता है, ऐसा है ना? तो आप करेला नहीं रोपे हैं? करेला नहीं रोपते हैं, करेला हमको अच्छा भी लगता है, खाने में रोपते भी नहीं। वो खाने में अच्छा नहीं लगता इसीलिए नहीं रोपते हैं? नहीं रोपते हैं। और परवल आप लगातार हर रोज खाते रहते हैं ना? ओ, इसीलिए खाने के लिए भी आप परवल हो जाता है और पैसा भी हो जाता है, तो मेहनत भी है बहुत। हाँ, तो इसमें कितना कट्ठा आपका खेती है? ये है अभी 4 कट्ठा। 4 कट्ठा है, तो अभी तक कुछ बेचे हैं कि नहीं? अभी तक 5-6 हज़ार का बेचे। 5-6 हज़ार का बेचे हैं? तो आपका अभी नया, मतलब नया है अभी, आप जड़ से वो छोड़ के काट देते थे इसीलिए अभी। और तो और उनका तो और लोग जो खेती करते हैं किसान का, छोड़ दिया था वो, छोड़ दिया था ना? हाँ, वो जड़ से काट, जड़ नहीं था। हाँ, काटा नहीं था इसीलिए। हाँ, उसका फिर जल्दी होने लगा। हाँ, और अच्छा उसका रेट भी अच्छा अच्छा मिल गया। अब काट देने से गाछ थोड़ा ताज़ा होता है ना? ताज़ा होता, कुछ दिन ज़्यादा चलता है, ज़्यादा चलता है, इसीलिए काटना भी अच्छा रहता है ना? अच्छा, ये सब डालने के बाद फिर क्या करते हैं? उसको खाद उद डालने, गोबर वोबर डालने के बाद उसमें चढ़ाना पड़ता है मिट्टी। अच्छा, थोड़ा झाँपना पड़ता है। और पानी, जैसे इधर बलवाही जमीन है तो इसमें पानी किस हिसाब से देना पड़ता है? अभी इसमें 2 दिन में पानी देना पड़ता है? ऐसा क्यों, 2 दिन में ही सूख जाता है जमीन? 2 दिन में खेत सूख जाता है। अगर काले पानी दिया, देखो खेत, खेत एकदम सूख जाता है। इधर बालू वाला जमीन है ना, इसीलिए ऐसा हो जाता है। अच्छा, नीचे मिर्ची भी रोपे हैं? नीचे मिर्ची भी है, ये हो जाता है मिर्ची? अच्छा, हो जाता है ना? अच्छा, थोड़ा कमजोर होता है, होता है, होता है। मिर्ची में कुछ पैसा मिल जाता है ना? हाँ, मिर्ची में भी कुछ मिलता है, ऐसा मिल जाता है, कुछ मिलता है, जो भी मिल जाए। तो एक ही बार खाद देने से हो जाता है? नहीं नहीं, इसमें जैसा 10-15 दिन में यूरिया डीएपी लगभग करता है। ओ, यूरिया डीएपी यार, छिड़काव कुछ नहीं करता? छिड़काव दवा, विटामिन हुआ, विटामिन ये सब छिड़काव करते हैं, जहर ये सब देते हैं ना? इसी तरह आप खेती करते हैं? तो परवल का खेती आपको कैसा लगता है? बढ़िया, बहुत अच्छा है ना? घर में भी सब्जी के लिए बढ़िया हो जाता है, और टेस्टफुल सब्जी भी है, खाने में भी हो जाता है और बेचने के लिए भी हो जाता है। 50 टका किलो है अभी, 50 रुपये किलो है ना? तो फरता भी कम है, बारिश नहीं है इसके लिए फरता नहीं है। फरता नहीं है, बारिश में ज़्यादा फरता है क्या? तो ठीक है, आप जो ये जानकारी दिए इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।